नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिया कुकिंग ब्लॉग्स में। आज मैं आपके लिए खट्टी मीठी आम की लौंजी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हमने 250 ग्राम कच्चे आम ही ले लिए हैं, अच्छे से धो के इन्हें हमने रख दिया है और इसे हम अच्छे से छील लेंगे। ये सब आम ही छील लिए मैं। ये देखिए, ये मैंने मेथी ली है, ये खड़ी धनिया है, ये जीरा है और ये सौंफ है और यहाँ हम रेड चिल्ली पाउडर ले लेंगे और हल्दी पाउडर ले लेंगे, धनिया ले लेंगे, नमक ले लेंगे और ये काला नमक है। ये हमने गरम मसाला लिया है और ये गुड़ है हमारा और ये आधा गिलास पानी है और ये हमारे कच्चे आम हैं। ये देखिए, ऐसे पीसेस में कट कर लेंगे। चलिए ये गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन किया, अब इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी। आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। ये देखिए मेरा तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैं ये मेथी दाने डालूंगी। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे ये सौंफ, मीडियम फ्लेम पे ही हम ये मसालों को पकाएंगे ताकि जले ना मसाले। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और लास्ट में मैं ये खड़ी धनिया डाल दूंगी। देखिए, एक मिनट तक के लिए हम इसे पकने देंगे। अब इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, ये इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब ये जो मैंने काट के कच्ची आमी रखी थी वो भी हम डाल देंगे इसमें और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। थोड़ी देर धीमे धीमे आंच में पकने देंगे और चलाते रहेंगे। और इसमें अब मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और ये धनिया पाउडर और इसमें सफ़ेद नमक है ये मेरे पास, ये डालेंगे हम। और इसके बाद ये काला नमक। अब ये सारे मसालों के साथ हम फिर से इसे मिक्स करेंगे और चलाएंगे। ये देखिए, चलाते रहेंगे धीमे धीमे आंच में पकाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों को भी पसंद आती है। आप इसे पूड़ी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को। अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है आधा गिलास। ये देखिए, इसे चलाएंगे और फिर आज ये हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अब ये देखिए, अब देखेंगे हम ये हमारी आमी पकी हैं कि नहीं। तो ये आप चम्मच की सहायता से देख सकते हैं, ये देखिए पक चुकी है। और इसमें अब हमने ये जो गुड़ है वो डाल देंगे। ये हम छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़े करके हम इसमें गुड़ मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैंने गुड़ डाल दिया है इसमें। ये देखिए, इसमें मैंने ये गुड़ डाल दिया है छोटे 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 टुकड़े करके। अब इसे हम फिर से चलाएंगे। ये देखिए, गुड़ जब तक घुल जाए तब तक हमें इसे अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बना कर लेना है। ये देखिए, इसमें मिलाएंगे हम गरम मसाला और ये हमारी लौंजी बनके तैयार है। आप भी खाइए, अपने परिवार वालों को खिलाइए और इस रेसिपी का आनंद उठाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।